हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यू सिंप्लीफाइड। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं कि क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूज में क्यों है। देखिए, रिसेंटली हुआ क्या है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने आईटी रिसोर्सेज ऑफ आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एनपीसीआई के आईटी रिसोर्सेज को क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दिया है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है और इंडिया में इससे रिलेटेड क्या क्या रूल हैं, इंडिया में इसे कौन प्रोटेक्ट करता है, उन सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड तो हम सभी लोग अच्छी तरह समझते हैं कि किसी भी नेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। वहाँ के ट्रांसपोर्ट होती है, रेलवे होती है, एयरपोर्ट्स होते हैं, पावर ग्रिड वगैरह, टेलीकॉम सेक्टर, बैंकिंग, इन सारी चीज़ों से मिलकर क्या होता है, किसी भी नेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड होते हैं, जुड़े होते हैं आईटी से, मीन्स इंटरनेट से जुड़े होते हैं, और इंटरनेट से रिलेटेड इनका सारा डाटाबेस होता है, उन पे रिलेटेड ही काम होता है। अगर मान लीजिए कि अगर किसी भी नेशन के जो पावर ग्रिड है या उनका जो डाटाबेस है उसे कोई अदर नेशन हैक कर ले या कोई पर्सन हैक कर ले तो क्या होगा, थोड़े समय के लिए वो पूरे के पूरे पावर ग्रिड को अपने हिसाब से चला सकता है, सारे एरिया का लाइट को बंद कर सकता है। मान लीजिए टेलीकॉम सेक्टर के डाटाबेस को हैक कर ले तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, एक नेशनल सिक्योरिटी का मामला निकल कर आ जाएगा पूरी तरह। मान लीजिए बैंक को हैक कर ले तो क्या होगा, इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी, या हेल्थ से रिलेटेड किसी हॉस्पिटल को हैक कर ले तो ओवरऑल समझिए क्या होगा, पूरी तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कोलैप्स हो जाएगी। और हाल फिलहाल के बहुत सारे एग्जांपल हम देख भी रहे हैं, पिछले दिन आपने देखा भी था कि मुंबई के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनकी इलेक्ट्रिसिटी एक ही बार में बंद हो गई थी। कहा जा रहा था कि यूएस के किसी पर्सन ने उसे हैक करके पूरी तरह से एक बार में बंद कर दिया था। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी जो डाटाबेस होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और अगर क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो अकॉर्डिंग टू आईटी एक्ट 2000, गवर्नमेंट आईटी एक्ट डिफाइन करती है क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को एज ए कंप्यूटर रिसोर्स। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या होगा, अपना डाटाबेस होगा, कंप्यूटर रिसोर्स होगा। अगर इस कंप्यूटर रिसोर्स को हैक कर लिया जाए तो उसका पूरा का पूरा इंपैक्ट नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड होगा, उसकी इकॉनमी पे पड़ेगा, पब्लिक हेल्थ पे पड़ेगा, समझिए कि पूरी की तरह से नेशन जो होगी उनके कब्जे में आ जाएगी। तो इसे ही कहा जाता है क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पावर है आईटी एक्ट 2000 के तहत कि वो किसी भी डाटा को, डाटाबेस को, आईटी नेटवर्क को, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या कर सकती है, सीआईआई डिक्लेयर कर सकती है, मीन्स क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डिक्लेयर कर सकती है फॉर द प्रोटेक्ट ऑफ डिजिटल एसेट। उसके जो डिजिटल एसेट है, क्योंकि उसके खुद के नहीं, आप समझिएगा, अगर मान लीजिए कि कोई कंपनी प्राइवेट कंपनी भी है, बहुत बड़ी कंपनी है, तो उसका डिजिटल एसेट सिर्फ उसका नहीं, वो पूरे के पूरे नेशन का है। अगर उसे कोई हैक कर लेता है तो समझिएगा आप, नेशन के लिए थ्रेट हो जाता है, इसलिए उसके डिजिटल एसेट को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो आप क्लियर है यहाँ पर, आप समझते हैं जरा कि अगर मान लीजिए किसी पर्सन ने उसे जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे कोलैप्स करने की कोशिश करता है तो क्या हुआ। देखिए, उसके लिए पेनाल्टी का प्रावधान है, गवर्नमेंट उसे जेल कर सकती है up to 10 years तक का, अगर इंडियन पर्सन है तो उसे जेल हो सकती है, ये तो बात हो गई। अब जरा समझते हैं कि इंडिया में क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कौन करता है। देखिए, इंडिया में क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने का काम करती है नेशनल क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। ये क्रिएट हुआ था 2014 में। ये नेशनल जो इन्फॉर्मेशन आईटी एक्ट 2000 है उसके सेक्शन 70A के तहत इसे क्रिएट किया गया था। और इसका काम ही होता है कि जितने भी जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उन्हें प्रोटेक्ट करना, उसे मेजर से रिलेटेड सारे काम करना। और ये एक नोडल एजेंसी है, ये पॉइंट हम याद रखेंगे, कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम मेंस में भी आप कोट कर सकते हैं, एक नोडल एजेंसी है जिसका काम ही है जितने भी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उन्हें प्रोटेक्ट करना। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our Current Affairs classes.